हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है रोकेन आरडेक्स के बारे में। तो वो जब अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने उनको ये कहा कि आप FFIC में कमेंट्री करो। तो इसके ऊपर रोकी भाई ने ये कहा कि वो FFIC में कमेंट्री नहीं करेंगे। तो क्यों वो FFIC में कमेंट्री करना नहीं चाहते, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। तो गाइस देखते क्या होने लगा। प्लीज FFIC में कमेंट्री कीजिए रोकी भाई। नहीं भाई, मैं भला, मेरा भला, मेरा विंजो भला, मेरे स्पॉन्सर्स का भला, मुझे FFIC में कमेंट्री नहीं करनी भाई। मैं बिल्कुल सही हूँ भाई, अगर मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं सोचूंगा, मैं डायरेक्टली हाँ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, इस वजह से मुझे ज्यादा कुछ है नहीं। बेंगलोर का ब्लॉग जरूर बनाएंगे। हमारा अगला न्यूज है अघोरी गेमिंग के बारे में। तो हम लोगों ने आपको ये बताया था कि अघोरी गेमिंग बीमार है। तो इसके ऊपर अघोरी गेमिंग ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, मैं पिछले 4 दिनों से बीमार हूँ, सो किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा, ना यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा, मोबाइल से बस फ्री टाइम में वीडियो देखता हूँ, बाकी मोबाइल स्विच ऑफ ही पड़ा है। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि वो कुछ दिनों से ही बीमार है और इसी के वजह से ही वो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। अगला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि हाल ही में देसी गेमर्स दिल्ली में गए थे, पर वो किस काम के दिल्ली गए थे इसके बारे में अभी उन्होंने नहीं बताया। तो इसके ऊपर देसी गेमर्स ने ये कहा कि वो एक वीडियो लाएंगे जिसमें वो इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि देसी गेमर्स ने क्या कहा। भाई आप कहाँ गए थे? ब्रो भाई अभी कुछ बताऊंगा नहीं, एक वीडियो आएगा ठीक है, बाद में, लाइक थोड़े दिनों के समय, कुछ समय पश्चात कुछ ना कुछ आएगा, तब आप लोग देख लेना। अभी क्या रिवील करें यार, आपको पता चल जाएगा, ऐसा थोड़े ना कि छुप छुप के बैठेंगे सर। और सब्सक्राइबर के मामले में देसी गेमर्स फिर से एज गेमिंग को बीट करके इंडिया के दूसरे सबसे बड़े फ्री फायर यूट्यूबर बन गए। तो इसी के बारे में जब उनकी स्ट्रीम पे उनको बताया गया तो इसके ऊपर देसी गेमर्स ने क्या कहा देख लीजिए। इंडिया टॉप टू मतलब व्हाट इज दिस ब्रो? भाई यार क्या यार, तुम लोग सब्सक्राइबर ये भाई यार, रेस क्या रेस यार भाई यार, बंदा आगे जाता है तो जाने दो यार, बढ़िया बात है ना, क्या आगे पीछे होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एक समय था मैं बहुत पीछे था, मैं आगे आया, हो सकता है इन फ्यूचर में बहुत पीछे चला जाऊं, इट्स अ पार्ट, बट आपका सपोर्ट नहीं जाना चाहिए ठीक है। और इसी के साथ ही उन्होंने अपने ऑडियंस से ये पूछा कि उनके 9 मिलियन होने पे उनको क्या स्पेशल करना चाहिए। तो इसके ऊपर सभी ने ये कहा कि उनको अपना सॉन्ग लाना चाहिए। तो उसके बाद देसी गेमर्स ने क्या कहा कि उनको सॉन्ग लाना चाहिए या नहीं, उसके ये क्लिप देख लीजिए। भाई सॉन्ग, अरे भाई तुम लोग सॉन्ग पे आ गए भाई, ये तो गलत बात है ना, सॉन्ग का तो भाई भाई बहुत खर्चा आता है और सॉन्ग का 0% प्रिपरेशन है, सच बोलूं तो सॉन्ग तो भाई 9 मिलियन तो पता नहीं, 10 मिलियन में भी पता नहीं भाई यार, सॉन्ग तो नहीं हो सकते यार, सॉन्ग बहुत बड़ी बात है, सॉन्ग तो अज्जू भाई ला सकते ना, अज्जू भाई क्या यार, अज्जू भाई सॉन्ग लाओ यार, क्या कर रहे हो अज्जू भाई। और देसी गेमर जो दिल्ली गए थे वहाँ पे उन्होंने जोंटी गेमिंग, रोमियो गेमर और पहाड़ी गेमिंग के साथ मीटअप किया था। तो इसी मीटअप के ऊपर जोंटी गेमिंग एक ब्लॉग वीडियो लाएंगे और इसके बारे में जोंटी गेमिंग ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। अब बात करते हैं स्काई लॉर्ड के बारे में। तो स्काई लॉर्ड ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी देते हुए लिखा कि उनके मेन चैनल पे उनको स्ट्राइक मिला है और इसी के वजह से उन्होंने अपने मेन चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया, पर इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने उनको ये स्ट्राइक दिया है। और स्काई लॉर्ड अभी मुंबई में है इसलिए वो शायद अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं किया। और इसके बारे में स्काई लॉर्ड 2Z गेमर से भी बात कर रहे थे। क्या मजबूत, मुंबई में आ गया? आ गया किधर? बैंड्रा, बैंड्रा, बैंड्रा में आओ। और इसी के साथ ही लोकेश गेमर को किसी ने ये पूछा कि कब वो 1 लाख बेजेस लेंगे। वैसे तो आपको ये पता ही है कि लोकेश गेमर हर सीजन में काफी ज्यादा बेजेस लेते हैं और इसी के वजह से उनको ये सवाल किया गया था। तो इसके ऊपर लोकेश गेमर ने ये कहा कि वो एक स्पेशल दिन 1 लाख बेजेस लेंगे। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि लोकेश गेमर ने क्या कहा था। 1 लाख बैचेस कब लोगे? वो एक सीक्रेट है, सीक्रेट बोलते हैं ना, सीक्रेट है कब लेने वाला हूँ, खाली तैयार रहो। वो एक दिन एक स्पेशल 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 नहीं नहीं रुक खेलेंगे उस एक दिन स्पेशल डे लेने वाला हूँ मैं। 7 क्या बोलते अपन 7 लाख बैच, सॉरी 1 लाख बैचेस लेने वाला हूँ स्पेशल डे के दिन। स्पेशल डे फॉर मी, फॉर यू, सबके लिए स्पेशल स्पेशल डे रहेगा। अगला न्यूज है टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल जब वो अपने लाइव स्ट्रीम पे रमन चोपड़ा के साथ GTA 5 खेल रहे थे तो इसमें रमन चोपड़ा ने उनको ये कहा कि कब वो अपना फेस्टिवल करेंगे। तो इसका रिप्लाई देते हुए टोटल गेमिंग ऐसा बोल रहे थे कि वो फेस्टिवल करेंगे या नहीं इसके ऊपर डाउट है। तो आप लोग सुन लीजिए कि टोटल गेमिंग ने क्या कहा था। नहीं नजारा है, पता है कोई पूछ रहा है कि आप अपना फेस रिवील कब करने वाले हो? नहीं भाई फेस रिवील का कोई प्लानिंग ही नहीं है सर, सच बताओ तो, झूठ क्या है बोलना, मतलब 2025 या 2023 मैंने बोला हुआ है बट कंफर्म नहीं है, मैं जब भी बोलता हूँ तब यही बोलता हूँ। या 30? नहीं 2023 या 2025। अच्छा हाँ 23 हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि पक्का नहीं है बट उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ फेस रिवील ऐसा।
और इसी के साथ ही रमन चोपड़ा ने उनको ये कहा कि आपका इतना ज्यादा फैंस है, आपको उनसे मीटअप करने का मन नहीं करता क्या? तो इसके ऊपर टोटल गेमिंग ने ये कहा कि उनको मीटअप करने का मन तो करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो मीटअप कर नहीं सकते। तो इसके ऊपर टोटल गेमिंग ने और क्या कहा देख लीजिए। कभी मीटअप भी नहीं किया होगा? नहीं 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 सर। कभी होता होगा कि अपने सब्सक्राइबर जो भी पूरी फैमिली इतने 2 करोड़ की फैमिली है तो मिलूं कभी कुछ? अरे मिलने का मन करता है ना, बट मेन वही है कि वो पॉसिबल नहीं है ना विदाउट फेस रिवील। एक बार फेस रिवील कर दिया तो फिर सीन हो जाएगा। अच्छा। लाइक भाई मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को सब लोग जानने लगेंगे, सब लोग जानते, बट इक्का दुक्का लोग भी अगर जान गए ना तो इश्यू हो जाएगा। अगर अपने एरिया के अंदर एक दुक्का लोग जानने लग गए तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम तो हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपकी वीडियो देख रहा है फ्री फायर की या कोई भी, और आप उसके सामने ही कहीं खड़े हो और वो बात कर रहे हैं टोटल गेमिंग देख कितना बढ़िया है, ऐसा दो बार? हाँ दो बार मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ दो बार हुआ है। एक तो अभी जब मैं हॉस्पिटल गया था तब वहाँ पे 2 लड़के मेरे वीडियो देख रहे थे, और एक लड़का खेल भी रहा था साथ में। तो ये बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लाइक आपका ही कोई वीडियो देख रहा है और गेम भी खेल रहा है। और एक सोसाइटी में ही हुआ है लॉकडाउन में। अरे सोसाइटी में तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि लाइक क्या आप अजीब भाई हो आपका, मतलब पहले तो 3-4 दिन उन लोगों ने मेरे को घूरा, मैं बातचीत करता था ना वो मेरा देखा, फिर चार मैंने मतलब घूर रहे थे तो अपन पूछेंगे ना, आप छोटे बच्चे थे यार वो लोग भी सोसाइटी के, बोले यार तुम इस तरीके से क्यों घूरते रहे, तो बोले आपका आवाज ना अजीब भाई जैसा है, फिर मैंने नीचे जाना ही बंद कर दिया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो ओपी गेमप्ले ने कंप्लीट कर लिया है 100 के सब्सक्राइबर, गेमिंग विद कुट्टी गोकुल ने कंप्लीट कर लिया है 600 के सब्सक्राइबर, और अनग्रेजुएट गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।